पहले आली बात मने जिस चाते लाया था, रही ना पहले आली बात मने जिस चाते लाया था, जले ना मोल किल्या राखी मने तू ब्याह कह लाया था, जले ना मोल किल्या राखी मने तू ब्याह कह लाया था, के फुके गाइस धन ने तू कद शॉपिंग तक करवाता ना, घर में ये गाड़ी चार खड़ी मन फिर भी बाहर घुमाता ना, के फुके गाइस धन ने तू कद शॉपिंग तक करवाता ना, घर में ये गाड़ी चार खड़ी मन फिर भी बाहर घुमाता ना, पहला गाड़ी ने तेरी फुला ते सजा के लाया था, जले ना मोल किल्या राखी मन तू ब्याह कह लाया था, जले ना मोल किल्या राखी मन तू ब्याह कह लाया था। क्या बात है, एक सुंदर चेहरे के साथ आप देख सकते हैं, एक मधुर आवाज जो कि मीनाक्षी राणा की है, पहले भी बहुत सारे गाने गा चुकी हैं और अब इनका एक नया गाना आने जा रहा है जिसका पोस्टर इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसका नाम है मोल की बहू और जिसके कुछ बोल अभी आपने सुने, लेकिन अगर आपको ये पूरा गाना एंजॉय करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कब सुन सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत बधाई, बहुत आप सुंदर भी हैं, उसके साथ साथ आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है। कितने गाने अब तक गा चुकी हैं, क्या बचपन से गा रही हैं? जी नहीं मैम, मैंने बचपन से शौक था गाने का, फिर धीरे धीरे मौका मिला, पंजाबी गाने गाए, हरियाणवी इंडस्ट्री में मौका मिला, मिस्टर मासूम शर्मा सर जी ने जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने मुझे मौका दिया, उनके साथ मैंने काफ़ी सॉन्ग्स रिकॉर्ड्स किए हैं और काफ़ी सॉन्ग्स आ भी चुके हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, बंदूक में गोली और उस गाने को, बस्ते में कारतूस को, पानी पानी दे, सो मैनी सॉन्ग्स जो रिलीज़ हो चुके हैं हरियाणवी में, खूब प्यार मिला है और होप सो मोल की बहू को भी बहुत उसी तरीके से प्यार मिलेगा जो फ्लाइकिंग रिकॉर्ड लाइकिंग रिकॉर्ड्स ने ये गाना मतलब लेकर वो आए हैं। इस प्रोडक्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगी, कितने गाने अब तक आ चुके हैं और इस प्रोडक्शन के साथ काम करके कितना ज़्यादा मज़ा आया? जी एक्चुअली ये तो हमारे एक तरीके से घर जैसा ही है, मेरे मनवीर ब्रदर हैं जिन्होंने मुझे इस गाने में गाने का मौका दिया, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट गाने का मौका दिया और इस गाने में जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, मनवीर जी हो गए, नितिन सर हो गए, LV94 जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, निधि जी जिन्होंने इसमें मॉडलिंग की है, अपना नितिन सर हैं जिन्होंने मॉडलिंग की है, सो पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा गाना जो सब ने मिल के। एक वर्ड में जानना चाहूँगी, पंजाबी गाने में ज़्यादा मज़ा आता है या हरियाणवी? ऑफ कोर्स हरियाणवी, हरियाणवी में ज़्यादा मज़ा आता है और मैडम खुद भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं और अब फिलहाल इनकी शादी हुई है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि शादी के बाद मैडम शायद पहला सॉन्ग है, शादी के बाद पहला सॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें तो इसके बोल लगे और अगर आपको भी सुनना है तो आप भी इस गाने को पूरा सुन सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त नितिन आहूजा जी भी हैं जो कि यानी सुपरस्टार कहूँ या क्या कहूँ, सेलिब्रिटी कहूँ, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज़ में आप इनको देख चुके हैं और अब एज अ मॉडल, बतौर मॉडल इस सॉन्ग में आप इन्हें देख पाएंगे। पोस्टर में भी सर आप बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं और सामने से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब किसी भी गाने में आप आते हैं लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? खुशी तो देखिए जिस गाने में भी आता हूँ सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होती है, अपेरेंटली क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका लड़का जिसको वो वैसे यूट्यूब पे रैंडम सर्च मारते हैं एक्टर, लेकिन अब जब वो एक्टर सर्च मारते हैं तो उनको नितिन आहूजा दिखता है, सो बहुत ही खुशी की बात है। और उसके बाद थैंक यू सो मच टू द फ्लाइकिंग रिकॉर्ड्स एंड जो फ्लाइकिंग है दे आर रियली द किंग, मतलब इट वॉज माई फर्स्ट हरियाणवी सॉन्ग तो दे हैव ट्रीटेड मी लाइक देयर ओन चाइल्ड, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट, मतलब बहुत दिल से इनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। एंड अपेरेंटली अबाउट द सॉन्ग मोल की बहू, सुपर सॉन्ग, अगर मैं एज ऑडियंस इसको देखूं तो मुझे खुद को सुनने में बहुत मज़ा आया, लेकिन हरियाणवी वैसे मुझे समझ नहीं आती बिकॉज आई एम प्रॉपर फ्रॉम डेली, लिपसिंग करना पड़ता है। हाँ लिपसिंग नहीं, लिपसिंग करने में ऑब्वियसली आप एक्टर हो तो पहले आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिरिक्स समझने पड़ेंगे, डायलॉग समझने पड़ेंगे, तो जब मैंने ये गाना सुना आई गॉट इट इंस्टेंटली, सो इट्स अ यूनिवर्सल सॉन्ग जो कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हरियाणा के लोग सुने, इट्स पूरा पैन इंडिया का सॉन्ग है। नितिन आपको अपनी जर्नी को ब्रीफ करना हो, अपने स्ट्रगल के बारे में बताना हो, क्या बताएंगे, कहाँ से आप हैं और अब कहाँ पहुँच चुके हैं? शुरुआत तो मेरी फ्रॉम मैं बोलूँगा सिर्फ नितिन आहूजा से थी एंड नाउ आई एम मिस्टर सेलिब्रिटी नितिन आहूजा, सो आई विल से यही मेरी शुरुआत है, लेकिन दिस इज नॉट दी एंड, मैं अभी भी इसको शुरुआत ही मानता हूँ और मैं जितना मर्जी प्रोजेक्ट कर लूँ जैसे कि मैंने कहा वो मेरी हमेशा शुरुआत ही रहेगी, बिकॉज पेरेंट्स ने यही समझाया उड़ो जितना मर्जी लेकिन जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही लगने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा उड़े और जब गिरे तो दर्द ज़्यादा हो।
जिनकी प्रोडक्शन है मनवीर सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही शानदार सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा नाम मोल की बहू। यही नाम क्यों मोल की बहू और क्या इस गाने में मैसेज रहने वाला है? सत श्री अकाल सारेयानू, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मोल की बहू हमने इसलिए गाने का नाम रखा क्योंकि जब सारे लिरिक्स शॉर्ट हुए, राहुल मौना जी ने ये लिरिक्स लिखे हैं और ये जब उन्होंने लिरिक्स लिखे, हमने पूरा सॉन्ग सुना तो अल्टीमेटली हमें माइंड में वही क्लिक हुआ उनके और हमारे कि मोल की बहू इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें यही बताया गया कि मोल के नहीं लाए तुम हमें, है ना, तुम प्यार करके साथ फेरे लेके, पूरे लिरिक्स में यही डिस्क्राइब हो रहा है कि इतनी मेहनत करी, पूरा ताम झाम, पूरे एक रिस्पेक्ट से भी जुड़ा, रिस्पेक्ट से तुम लेके आए, बट अब तुम ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते मुझे, अभी तुम्हें अभी मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट मी द होल लाइफ, तुम जिस तरीके से लेके आए थे उसी तरह से तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। एंड ये बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा। फ्लाइकिंग रिकॉर्ड अब तक बहुत सारे यानी एल्बम लेकर आ चुका होगा, बहुत सारे गाने अब तक कितने गाने आ चुके हैं और इस गाने को देखना हो क्योंकि आज ही रिलीज होने जा रहा है, ये हो चुका है, कैसे देख सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? आप यूट्यूब पे फ्लाइकिंग रिकॉर्ड्स लिख सकते हो या मीनाक्षी राणा जी का नाम लिख सकते हो, नितिन आहूजा लिख सकते हो, फ्लाइकिंग रिकॉर्ड्स आप लिखोगे तो आपको पूरा चैनल आ जाएगा यूट्यूब पर और सॉन्ग नंबर वन पे ही आएगा। मेरे ख्याल अभी 50,000 प्लस व्यूज चले गए हैं, अभी 2 घंटे ही हुए हैं तो बहुत प्यार मिल रहा है। हाँ जी, आगे भी इसी तरीके से मिलता रहेगा। हमारे साथ परमिंदर जी भी हैं। सर आपका जो रिकॉर्ड का नाम है फ्लाइकिंग, दोनों ही नाम बड़े शानदार हैं, फ्लाई भी और किंग भी, यानी उड़ना तो है ही है और बुलंदियों को छूना है। बुलंदियों को छूना है, तो मैं अपने बेटे के थॉट से बहुत खुश हूँ। जब इसने ये चैनल की बात की तो मैंने इसको कहा भाई ये चैनल की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तेरा अपना कैरियर इतना बढ़िया चल रहा है सिंगिंग में। तो बेटे का एक थॉट था कि जब मैंने शुरू से स्ट्रगल की, मैं दिल्ली बॉम्बे लोगों के हाथ जोड़ता रहा कि भाई मेरा गाना लॉन्च कर दो, मेरा गाना लॉन्च कर दो, लोग बाहर बैठा देते थे, बैठा रहे भाई। करनाल में कह रहा मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना है कि करनाल से जो न्यू कमर्स हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास आवाज़ है, और उनको हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे, उनको एक मौका देते हैं। और परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि न्यू कमर्स के साथ हम इतने गाने लॉन्च कर चुके हैं और आने वाले टाइम में मैं करनाल के, आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, करनाल के जितने भी नए कलाकार हैं वो आके फ्लाइकिंग रिकॉर्ड से मनवीर सिंह को मिलें और अपने काम को आते ही शुरू कर दें। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म इस बच्चे ने यहाँ क्रिएट कर दिया है, जो दिल्ली बॉम्बे के अंदर बच्चे धक्के खा रहे थे, आज करनाल के अंदर आकर उनको एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म परमात्मा ने बढ़िया दिया है। तो मैं तो हूँ भी बच्चे को खूब कामयाबी मिले, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का प्यार बना रहे और ये बच्चे को ऐसे ही आप कोऑपरेट करते हैं। बच्चों को प्यार भी आप दे सकते हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इनके गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये गाने सुने। हमारे साथ जिन्होंने म्यूज़िक दिया है LV94, वो भी मौजूद हैं। सर क्या सोचते हैं जब आप म्यूज़िक यानी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कि युवा क्या पसंद करता है, क्या म्यूज़िक रहना चाहिए, कैसे म्यूज़िक बनाया जाता है? एक्चुअली मैं खुद एक यंगस्टर हूँ तो ये होता है कि जो हो लाइक अपने आप दिमाग में म्यूज़िक होता है और अपने आप क्रिएट हो जाता है, तो अपने आप ही सीखा सब कुछ, अपने आप ही सब कुछ किया तो अपने आप ही माइंड में क्रिएट होता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पर ये है कि जो म्यूज़िक हो लोगों को पसंद आए ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद कर रहे हैं। अगर सिंगर अच्छा गाएगा नहीं, म्यूज़िक बहुत पसंद होगा तभी। हाँ मेरे को काफ़ी, मैं पहले रैपर था और अभी भी मैं रैप वगैरह करता हूँ, तो करनाल से ही हूँ और करनाल बेसिकली ये होम टाउन ही है मेरा, तो करनाल से इसको प्रमोट करने के लिए जो कर रहे हैं इसी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, के टाउन कहते हैं हम इसको, के टाउन। तो बचपन से यही शौक था कि म्यूज़िक आर्टिस्ट ही बनना है, म्यूज़िक ही करना है। बचपन से यही शौक था और अब कोई नहीं कह सकता कि करनाल के लोग टैलेंटेड नहीं है। वैसे तो सर करनाल का तो अलग ही लेवल का जलवा है, पूरे देश में वर्ल्ड वाइड करनाल बहुत ज़्यादा फेमस है और करनाल से ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ निकल रही हैं, दिल्ली चंडीगढ़ फेल हो चुके हैं। देखिए करनाल का अगर आप इतिहास भी उठाकर देख लेंगे ना, तो करनाल के इतिहास की भी पूरी दुनिया में चर्चा है। अगर हम बहुत पुरानी बातें करें, चाहे हम दानवीर कर्ण के समय की बात करें, अगर हम बीच के समय में आ जाएं तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री करनाल से थे। आपको शायद इस बात का पता ही नहीं पता कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री वो भी करनाल से थे। तो करनाल ऐतिहासिक पक्ष से बहुत आगे रहा है और इतिहास के साथ साथ
करनाल के लोगों ने हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं। कल्पना चावला करनाल की बेटी ने पूरी दुनिया के अंदर जो है करनाल की बेटियों का, हरियाणा के देश की बेटियों का नाम रोशन किया, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे ही अभी म्यूजिक क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में करनाल के कितने बच्चे हैं, आप लोग बार बार इंटरव्यू करते रहते हो कभी किसी बच्चे का, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत से बच्चे गए हैं, मेडल्स लेकर करनाल के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी शुरुआत है कि ये जो फ्लाई किंग रिकॉर्ड्स के नाम से परमिंदर पाल सिंह जी हमारे भाई हैं और उनके बेटे मनवीर जो पहले भी कई रियलिटी शो में आ चुके हैं, करनाल का नाम रोशन कर चुके हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। इसे मैं एक नया स्टार्टअप कहूँगा, एक नया स्टार्टअप शुरुआत किया है। और स्टार्टअप का जो पहला ही गीत है मोल की बहू, वो बड़ा प्यारा गीत है, मैंने उसके भी बोल सुने, आपने अभी सुनाए भी हैं अपने उसके चैनल के माध्यम से, बहुत प्यारे गीत हैं, बहुत प्यारे बोल हैं, एक पति पत्नी के बीच प्यार भरी नोक जोक के साथ साथ जो है समाज को एक बड़ा अच्छा संदेश दिया गया है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये गीत बहुत अच्छा चलेगा और फ्लाई किंग रिकॉर्ड्स के आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो भी बहुत कामयाब होंगे, बहुत इनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, यानी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप देख सकते हैं, आपको साफ तौर पर जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे और आप भी इस गाने को प्यार दे सकते हैं। फ्लाई किंग रिकॉर्ड्स आप सर्च कीजिए, आपको ये गाना मिल जाएगा क्योंकि ये गाना रिलीज हो चुका है। और ऐसे में आप मीनाक्षी भी नाम सर्च कर सकते हैं, नितिन आहूजा नाम सर्च कर सकते हैं, तो भी आपको ये गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देखें M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।